राजाओं का वृत्तांत पहला भाग अध्याय एक। राजाओं का वृत्तांत पहला भाग अध्याय एक। अदुनिया की राजद्रोह की गोष्ठी और उसका तोड़ा जाना। दाऊद राजा बूढ़ा बरन बहुत पुरनिया हुआ, और यद्यपि उसको कपड़े ओढ़ाए जाते थे तो भी वह गर्म न होता था। सो उसके कर्मचारियों ने उससे कहा, हमारे प्रभु राजा के लिए कोई जवान कुवारी ढूंढी जाए जो राजा के सन्मुख रहकर उसकी सेवा किया करे और तेरे पास लेटा करे कि हमारे प्रभु राजा को गर्मी पहुंचे। तब उन्होंने समस्त इसराइली देश में सुंदर कुवारी ढूंढते ढूंढते अभिषग नाम एक शुनेमिन को पाया और राजा के पास ले आए। वह कन्या बहुत ही सुंदर थी और वह राजा की दासी होकर उसकी सेवा करती रही, परंतु राजा का उससे सहवास न हुआ। तब हग्गीत का पुत्र अदोनिय्याह सिर ऊंचा करके कहने लगा कि मैं राजा हूंगा। सो उसने रथ और सवार और अपने आगे आगे दौड़ने को 50 पुरुष रख लिए। उसके पिता ने तो जन्म से लेकर उसे कभी यह कहकर उदास न किया था कि तूने ऐसा क्यों किया। वह बहुत रूपवान था और अबशालोम के पीछे उसका जन्म हुआ था, और उसने सरूयाह के पुत्र योआब से और एब्यातार याजक से बातचीत की और उन्होंने उसके पीछे होकर उसकी सहायता की। परंतु सादोक याजक, यहोयाद का पुत्र बनायाह, नातान नबी, शिमी रेई और दाऊद के शूरवीरों ने अदोनियाह का साथ न दिया, और अदोनियाह ने जोहेलेत नाम पत्थर के पास जो एन रोगेल के निकट है भेड़ बैल और तैयार किए हुए पशु बलि किए, और अपने भाई सब राजकुमारों को और राजा के सब यहूदी कर्मचारियों को बुला लिया। परंतु नातान नबी और बनायाह और शूरवीरों को और अपने भाई सुलेमान को उसने न बुलाया। तब नातान ने सुलेमान की माता बच्चेबा से कहा, क्या तूने सुना है कि हग्गीत का पुत्र अदोनियाह राजा बन बैठा है और हमारा प्रभु दाऊद इसे नहीं जानता? इसलिए अब आ, मैं तुझे ऐसी सम्मति देता हूं जिससे तू अपना और अपने पुत्र सुलेमान का प्राण बचाए। तू दाऊद राजा के पास जाकर उससे यो पूछ कि हे मेरे प्रभु, हे राजा, क्या तूने शपथ खाकर अपनी दासी से नहीं कहा कि तेरा पुत्र सुलेमान मेरे पीछे राजा होगा और वह मेरी राजगद्दी पर विराजेगा? फिर अदोनियाह क्यों राजा बन बैठा है? और जब तू वहां राजा से ऐसी बातें करती रहेगी तब मैं तेरे पीछे आकर तेरी बातों को पुष्ट करूंगा। तब बथशेबा राजा के पास कोठरी में गई। राजा तो बहुत बूढ़ा था और उसकी सेवा टहल शुनेमिन अभिषग करती थी, और बथशेबा ने झुककर राजा को दंडवत किया और राजा ने पूछा, तू क्या चाहती है? उसने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, तूने तो अपने परमेश्वर यहोवा की शपथ खाकर अपनी दासी से कहा था कि तेरा पुत्र सुलेमान मेरे पीछे राजा होगा और वह मेरी गद्दी पर विराजेगा। अब देख, अदोनियाह राजा बन बैठा है और अब तक मेरा प्रभु राजा इसे नहीं जानता, और उसने बहुत से बैल तैयार किए, पशु और भेड़े बलि की, और सब राजकुमारों को और एब्यातार याजक और योआब सेनापति को बुलाया है, परंतु तेरे दास सुलेमान को नहीं बुलाया। और हे मेरे प्रभु, हे राजा, सब इसराइली तुझे ताक रहे हैं कि तू उनसे कहे कि हमारे प्रभु राजा की गद्दी पर उसके पीछे कौन बैठेगा। नहीं तो जब हमारा प्रभु राजा अपने पुरखाओं के संग सोएगा तब मैं और मेरा पुत्र सुलेमान दोनों अपराधी गिने जाएंगे। यो बथशेबा राजा से बातें कर ही रही थी कि नातान नबी भी आ गया, और राजा से कहा गया कि नातान नबी हाजिर है। तब वह राजा के सन्मुख आया और मुंह के बल गिरकर राजा को दंडवत की, और नातान कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हे राजा,
क्या तूने कहा है कि अदोनियाह मेरे पीछे राजा होगा और वह मेरी गद्दी पर विराजेगा? देख, उसने आज नीचे जाकर बहुत से बैल तैयार किए हुए पशु और भेड़े बलि की है, और सब राजकुमारों को और सेनापतियों को एब्यातार राजक को भी बुलाया है, और वे उसके सम्मुख खाते पीते हुए कह रहे हैं कि अदोनियाह राजा जीवित रहे। परंतु मुझ तेरे दास को और सादोक याजक और यहोयादा के पुत्र बनायाह और तेरे दास सुलेमान को उसने नहीं बुलवाया। क्या यह मेरे प्रभु राजा की ओर से हुआ? तूने तो अपने दास को यह नहीं जताया कि प्रभु राजा की गद्दी पर कौन उसके पीछे विराजेगा। दाऊद राजा ने कहा, बत्शेबा को मेरे पास बुला लाओ। तब वह राजा के पास आकर उसके सामने खड़ी हुई। राजा ने शपथ खाकर कहा, यहोवा जो मेरे प्राण सब जोखिम से बचाता आया है, उसके जीवन की शपथ, जैसा मैंने तुझसे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की शपथ खाकर कहा था कि तेरा पुत्र सुलेमान मेरे पीछे राजा होगा और वह मेरे बदले मेरी गद्दी पर विराजेगा, वैसा ही मैं निश्चय आज के दिन करूंगा। तब बत्शेबा ने भूमि पर मुंह के बल गिर राजा को दंडवत करके कहा, मेरा प्रभु राजा दाऊद सदा तक जीवित रहे। तब दाऊद राजा ने कहा, मेरे पास सादोक याजक नातान नबी अहोयादा के पुत्र बनायाह को बुला लाओ। सो वे राजा के सामने आए। राजा ने उनसे कहा, अपने प्रभु के कर्मचारियों को साथ लेकर मेरे पुत्र सुलेमान को मेरे निज खच्चर पर चढ़ाओ और गिहोन को ले जाओ, और वहां सादोक याजक और नातान नबी इस्राएल का राजा होने को उसका अभिषेक करे। तब तुम सब नरसिंगा फूंक कर कहना, राजा सुलेमान जीवित रहे, और तुम उसके पीछे पीछे इधर आना, और वह आकर मेरे सिंहासन पर विराजे, क्योंकि मेरे बदले में वही राजा होगा, और उसी को मैंने इस्राएल और यहूदा का प्रधान होने को ठहराया है। तब यहोयादा के पुत्र बनायाह ने कहा, आमीन, मेरे प्रभु राजा का परमेश्वर यहोवा भी ऐसा ही करे। जिस रीति यहोवा मेरे प्रभु राजा के संग रहा, उसी रीति वह सुलेमान के भी संग रहे, और उसका राज्य मेरे प्रभु दाऊद राजा के राज्य से भी अधिक बढ़ाए। तब सादोक याजक और नातान नबी और यहोयादा का पुत्र बनायाह करेतियों और पलेतियों को संग लिए हुए नीचे गए, और सुलेमान को राजा दाऊद की खच्चर पर चढ़ाकर गिहोन को ले चले। तब सादोक याजक ने यहोवा के तंबू में से तेल भरा हुआ सिंह निकाला और सुलेमान का राज्याभिषेक किया, और वे नरसिंगे फूकने लगे, और सब लोग बोल उठे, राजा सुलेमान जीवित रहे। तब सब लोग उसके पीछे पीछे बांसुली बजाते और इतना बड़ा आनंद करते हुए ऊपर गए कि उसकी ध्वनि से पृथ्वी डोल उठी। जब अदोनियाह और उसके सब नेवताहारी खा चुके थे, तब यह ध्वनि उनको सुनाई पड़ी, और योआब ने नरसिंगे का शब्द सुनकर पूछा, नगर में हलचल और चिल्लाहट का शब्द क्यों हो रहा है? वह यह कह रहा था कि एब्यातार याजक का पुत्र योनातन आया, और अदोनियाह से उसने कहा, भीतरा, तू तो भला मनुष्य है और भला समाचार भी लाया होगा। योनातन ने अदोनियाह से कहा, सचमुच हमारे प्रभु राजा दाऊद ने सुलेमान को राजा बना दिया, और राजा ने सादोक याजक नातान नबी और यहोयादा के पुत्र बनाया और करेतियों और पलेतियों को उसके संग भेज दिया, और उन्होंने उसको राजा के खच्चर पर चढ़ाया है, और सादोक याजक और नातान नबी ने गिहोन में उसका राज्याभिषेक किया है, और वे वहां से ऐसा आनंद करते हुए ऊपर गए कि नगर में हलचल मच गई, और जो शब्द तुमको सुनाई पड़ता है वह वही है, सुलेमान राजगद्दी पर विराज भी रहा है। फिर राजा के कर्मचारी हमारे प्रभु दाऊद राजा को यह कहकर धन्य कहने आए कि तेरा परमेश्वर सुलेमान का नाम तेरे नाम से भी महान करे, और उसका राज्य तेरे राज्य से भी अधिक बढ़ाए, और
राजा ने अपने पलंग पर दंडवत की। फिर राजा ने यह भी कहा कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा धन्य है, जिसने आज मेरे देखते एक को मेरी गद्दी पर विराजमान किया है। तब जितने नेवताहारी अदोनियाह के संग बैठे थे वे सब थरथरा गए और उठकर अपना अपना मार्ग लिया, और अदोनियाह सुलेमान के डर से उठा और जाकर वेदी के सिंगों को पकड़ लिया। तब सुलेमान को यह समाचार मिला कि अदोनियाह सुलेमान राजा से ऐसा डर गया है कि उसने वेदी के सिंगों को यह कहकर पकड़ लिया है कि आज राजा सुलेमान शपथ खाए कि अपने दास को तलवार से न मार डालेगा। सुलेमान ने कहा, यदि वह भलमनसी दिखाए तो उसका एक बाल भी भूमि पर गिरने न पाए, परंतु यदि उसमें दुष्टता पाई जाए तो वह मारा जाए। तब राजा सुलेमान ने लोगों को भेज दिया जो उसको वेदी के पास से उतार ले आए। तब उसने आकर राजा को दंडवत किया और सुलेमान ने उससे कहा, अपने घर चला जा।